अर्थशास्त्र के अंतर्गत रोजगार समृद्धि, औपचारीकरण, तथ्य व अनुमति, समस्याएं तथा नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले है रोजगार समृद्धि, अनौपचारिक अनुमति, समस्याएं और नीतियां जो है वे किस प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति जो है आजीविका अर्जन हेतु कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं, जैसे खेती करना, कारखानों में, परिवहन, बैंकों आदि में कार्य करना, जैसे दुकान चलाना, बुनाई, कुमार, खिलौने बनाने आदि के कार्य जो है व्यक्ति हमेशा करता है। मतलब ये जो है जीवन यापन करने का एक तरीका होता है और लोगों का रोजगार भी होता है। फिर कार्यकर्ताओं का वर्गीकरण, ये व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक क्रिया में रोजगार युक्त हैं, जैसे ये कार्यकर्ता कहलाते हैं। कार्यकर्ता क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। फिर नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कौन है? जब किसी श्रमिक को नियमित रूप से काम मिल जाता है तो उसे नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहा जाता है। मतलब जो नियमित, मतलब रेगुलर, जिसको काम मिल जाता है उसको नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहा जाता है। फिर अनियमित मजदूर या दैनिक मजदूर किसे कहते हैं? जब श्रमिकों को अनियमित या अस्थायी रोजगार प्राप्त होता है तो उसे अनियमित मजदूरी कहा जाता है। मतलब जिनको अस्थायी रूप से एक सप्ताह है या चार दिन है या दो दिन है, मतलब जिस तरह से अनियमित, मतलब इनका दिन कोई निश्चित नहीं होता, उसके अनियमित मजदूर कहा जाता है। फिर इसकी कुछ मूलभूत धारणाएं हैं, जैसे श्रमिक कौन है? ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है और इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कर रहे हैं वे श्रमिक कहलाते हैं। मतलब श्रमिक क्या है? आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है, इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अपना योगदान देते हैं, वे श्रमिक कहलाते हैं। जैसे आप लोग देखते हो श्रमिक सभी कार्यों में लगे रहते हैं लेकिन श्रमिक ही कहलाते हैं। फिर है उत्पादन क्रिया। उत्पादन क्रिया क्या? उत्पादन क्रिया से अभिप्राय वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की क्रिया से, मतलब जो उन्होंने सेवाएं दे रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जो कर्मचारी या वेतन कर्मचारी लगे हुए हैं। फिर है श्रमिक जनसंख्या अनुपात। श्रमिकों जो की संख्या जो है देश की कुल जनसंख्या में भाग देकर उसे 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहते हैं। अतः श्रमिकों की संख्या बटे देश की कुल जनसंख्या गुना 100। इसी तरह से श्रम की पूर्ति, श्रम को भी मानव कार्य दिवस के आधार पर मापा जाता है। श्रम की पूर्ति सदैव मजदूरी दर से संबंधित होती है। यह अवस्था जो है घट बढ़ भी सकती है और जब श्रमिकों की संख्या स्थिर रहती है तो पूर्ति श्रम पूर्ति से अभिप्राय श्रम की उस मात्रा से है जो श्रम निश्चित मजदूरी दर पर पूर्ति करने को तैयार। उसी तरह से श्रम बल है जिसमें अभिप्राय श्रमिकों की संख्या से होता है, वास्तव में जो काम कर रहे होते हैं और काम करने के इच्छुक हैं। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ मानसिक तौर पर अच्छे होना चाहिए और विकलांग लोगों को शामिल नहीं किया जाता। इस तरह से मजदूरी कार्य करते हैं। फिर यहाँ यह व्यक्त करना आवश्यक है कि श्रम की पूर्ति मानव कार्य दिवसों के रूप में मापी जाती है, जबकि श्रम बल को काम को लगे होने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। श्रम की पूर्ति काम करने वालों की संख्या स्थिर रहने पर भी कम या अधिक हो सकती है और श्रम बल के आकार पर श्रम की संख्या घटने पर रहता है। फिर कार्यबल क्या है? इससे अभिप्राय यह है कि वास्तव में काम करने वाले व्यक्तियों से जो वाकई में उसमें काम में लगे हुए हैं और वह काम करने के इच्छुक हैं। तो कार्यबल बराबर श्रम बल ऋण बेरोजगार व्यक्ति, तो इस तरह से हम कार्यबल निकाल सकते हैं। फिर श्रम भागीदारी दर, श्रम भागीदारी दर से अभिप्राय उत्पादन क्रिया वास्तव में भाग लेने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है। जिससे श्रम भागीदारी दर श्रम कुल श्रम बल और कुल जनसंख्या से जब भाग देंगे तो और गुणा 100 करेंगे श्रम भागीदारी दर निकल आएंगे। अब है कार्य भागीदारी दर क्या है? इसमें कार्यबल भागीदारी दर में अभिप्राय जनसंख्या में कार्यबल के अनुपात से है। जैसे कार्य भागीदार कुल कार्यबल बटे कुल जनसंख्या गुना 100। इस तरह से हम कार्य में जो लगे हुए हैं जिनका भागीदार है उनका निकाल सकते हैं। भारत में कार्यबल का आकार इसमें जो होता है वह कितना है? कार्यबल की संख्या लगभग 45 करोड़ लोगों की है, जिसमें 65% पुरुष हैं और 35% महिलाएं श्रमिक कार्य करती हैं। इसमें महिलाओं में जो होती है, महिलाओं में अशिक्षा, महिलाओं का काम करना या काम पर जाना पसंद न किया जाना, महिलाओं द्वारा संपन्न
संपन्न किए जाने वाले कार्य जैसे खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, आर्थिक आदि शामिल न करना। इसके अतिरिक्त कार्यबल जो होता है 75% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि खेती और समृद्ध ग्राम आदि लगे हुए होते हैं, जिसको GDP या कुल उत्पादन लागत भी कहते हैं। फिर भारत में सहभागिता दर, मतलब कितने लोगों की जो सहभागिता है जो कार्य में लगे हुए हैं, जो कुल जनसंख्या तथा कार्यबल के अनुपात में जो दर मापा जाता है, वह हमारे देश की सहभागिता दर जो है समग्र उत्पादन कार्यरत होते हैं। फिर स्वनियोजित या भाड़े के मजदूर, भारत में भाड़े के मजदूर या स्वरोजगार का विश्लेषण, भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत स्वरोजगार है, दूसरा बड़ा स्रोत स्वनियोजित मजदूरी है, कार्यबल में 53% भाग स्वरोजगार है और 32% भाग अनियमित मजदूरी रोजगार होता है। तो इस तरह से हम निवास के आधार पर या कार्यकर्ताओं के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के आधार पर श्रम बल का वितरण। इसमें हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या है, कृषि है, वानिकी है, मछली पालन है, खनन है आदि क्रियाएं जो है प्राथमिक क्षेत्र में होता है। फिर द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति आदि आते हैं। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, भंडारण और सेवाएँ सम्मिलित होती हैं। इन क्षेत्रों में कार्यबल की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्राप्त है, जबकि कार्यबल में लगभग 53 और प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार युक्त हैं और द्वितीय तृतीय में रोजगार अंशदान क्रम से 22% और 25% है। फिर है कार्यबल का अनौपचारिक और अनियमितीकरण। अनियमितीकरण क्या है, यह जो है जो कार्य में जो लगे हुए हैं में समय के साथ साथ कुल कार्यबल में भाड़े पर लिए गए अनियमित श्रमिकों के प्रतिशत को बढ़ने की प्रवृत्ति पाए जाने को अनियमितीकरण की स्थिति कहते हैं। मतलब जो कार्यबल भाड़े में लिए गए हैं उनमें अनियमितता पाई जाती है। कुछ कार्यबल भाड़े में लिए जाते हैं और कुछ जो है 72-73% था, जबकि 99-2033% हो गया है। 2009 और 2010 में 39.3% हो गया है। फिर अनौपचारिकता कारण, इसमें जो है रोजगार या असंगठित क्षेत्र रोजगार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और साथ ही साथ रोजगार के अंतर्गत उन सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यम, निजी उद्यमों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक श्रमिक में अंतर क्या होता है। औपचारिक श्रमिक जो है संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस तरह से इसमें जो श्रमिक जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता है, भविष्य निधि, पेंशन आदि प्राप्त होता है, जबकि अनौपचारिक श्रमिक जो है उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसी तरह से औपचारिक श्रमिक जो है उनका श्रम संघ बना होता है, अनौपचारिक श्रमिक नहीं होता है। और बाजार की अनियमितताओं के बदले विभिन्न कानून औपचारिकता होती है, जबकि अनौपचारिक श्रमिक को कोई भी श्रम कानून या सुरक्षा प्रदान नहीं होता है। फिर भारत में बेरोजगारी, भारत बेरोजगारी का अर्थ, पहले भी हमने जब निर्धनता पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने बेरोजगारी बताया था। बेरोजगार वे होते हैं जिन्हें कार्य करने के इच्छुक तो होते हैं लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता है। जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई काम नहीं मिलता है, उस व्यक्ति को बेरोजगार या फिर समस्या जो बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। अब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है और जीविका कमा सके, इस प्रकार की समस्या को भी बेरोजगारी समस्या कहते हैं। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के जो प्रकार हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी, आदेश बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प रोजगार, खुली बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और संघर्षात्मक बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है हमारे भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। यह वह है जो पूंजी के अभाव में साधनों के सीमित होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। फिर आदृश्य बेरोजगारी, आदृश्य बेरोजगारी वह होती है जिसमें कि आवश्यकता से अधिक लोगों का रोजगार पर लगे रहना, जैसे कि ये ज़्यादातर कृषि क्षेत्रों में होता है जहाँ पर एक व्यक्ति का काम होता है लेकिन उसमें 4 व्यक्ति लगे हुए होते हैं। फिर मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्रों में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ जो वर्ष में जो 3 महीने भी कृषि में कार्य करते हैं उसके बाद 3 महीने जब बेरोजगार हो जाते हैं तो शहर की तरफ आ जाते हैं, फिर वो फसल काटने चले जाते हैं, फिर बुवाई करके फिर वह शहर की ओर आ जाते हैं, इस तरह से मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। फिर अल्प रोजगार यह है कि किसी को रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता या क्षमता के अनुसार रोजगार का ना मिलना।
फिर खुली बेरोजगारी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने की इच्छुक हो लेकिन उसे कार्य खुली बेरोजगारी कहते हैं, उसे कार्य न मिले। तकनीकी बेरोजगारी, यदि किसी देश में नई तकनीक अपनाने से कुछ क्षणों के लिए श्रमिक जो है बेरोजगार हो जाता है क्योंकि उसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं होती है और तकनीकी शिक्षा देकर इसको दूर किया जा सकता है। फिर है ऐच्छिक बेरोजगारी, व्यक्ति जब स्वेच्छा से कार्य करना नहीं चाहता है तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। फिर है चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी के अंदर जो है मंदी काल में अति उत्पादक स्थिति में प्रभावकारी मांग को कभी कभी मजदूरों की छटनी शुरू करनी पड़ती, जिस तरह से अभी हुआ कोरोना काल में हुआ है कि बहुत से मजदूरों की छटनी कर दी गई और कुछ उस तरह से बहुत से बेरोजगार हो गए। फिर शिक्षित बेरोजगारी, जिस व्यक्ति को शिक्षित तो है लेकिन उसके इच्छा अनुसार नौकरी नहीं मिल पाने के कारण शिक्षित बेरोजगारी होता है। फिर है संघर्षात्मक बेरोजगारी, श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण उसे अवस्थाओं के रूप में बेरोजगारी हो सकते हैं, जिसमें अस्थायी बेरोजगारी के संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब भारत में बेरोजगारी की समस्या का स्वरूप, तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या का स्वरूप है वह किस प्रकार है? तो सबसे पहले ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी में आदर्श बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, जिस तरह से हमने अभी आपको पहले बताया है। तो उसी तरह से शहरी बेरोजगारी है, यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी होती है, क्योंकि व्यक्ति शिक्षित तो होता है लेकिन उनके मन का कार्य नहीं मिलता है, और औद्योगिक बेरोजगारी में जिस तरह से वह कार्य प्रशिक्षण लिया होता है और वैसा उसको कार्य नहीं मिल पाता है। फिर है भारत में बेरोजगारी के आकार और सीमा, मतलब यहाँ भारत में जो है, भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक बेरोजगारी विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श तथा मौसमी बेरोजगारी तथा शहरी क्षेत्रों में खुली और शिक्षित बेरोजगारी है, जो कि बेरोजगारी के स्वरूप के कारण सही सही माप करना संभव नहीं होता है, क्योंकि बेरोजगारी एक मोटा जो है अनुमान ही रोजगार कार्यों की दर्ज व्यक्तियों की संख्या के आधार पर लगाया जाता है, जबकि सभी व्यक्ति जो है वह रोजगार कार्यालय में अपना दर्ज नहीं कराते, इस तरह से भी बेरोजगारी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। फिर भारत में बेरोजगारी के कारण, रोजगारी के कारण है क्या है, जो हमने निर्धनता के उसमें भी पढ़ा था कि निर्धनता के कारण क्या है, प्रायः कुछ कारण जो है वे निर्धनता के जो कारण है बेरोजगारी के कारण भी हैं। जनसंख्या वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों को हास, श्रम की गतिशीलता का अभाव, पूंजी निर्माण की दर, पूंजी का गहन तकनीक, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, त्रुटिपूर्ण नियोजन, देश का विभाजन, युद्ध, भारी कर का भार, मुद्रा स्फीति, उप विभाजन, अपखंडन, कम बचत, विनियोग, बीमा औद्योगिकरण और अशिक्षित आकुशल श्रम। अब सबसे पहले आपको पता है जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा बेरोजगार कारण है, जनसंख्या जिस बढ़ रही है वैसा रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही। उसी तरह से लघु एवं कुटीर उद्योगों का हास, क्योंकि जो योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास से बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जा रही और स्वचालित यंत्रों द्वारा उनका प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह से छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है और धीरे धीरे वे बंद होने की कगार पर आ गए। संघ की गतिशीलता का अभाव, कई रूढ़िवादिता के कारण, पारिवारिक मोह के कारण भी संघ की गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, इसी कारण भी यह बेरोजगारी पाई जाती है। फिर है पूंजी निर्माण की दर, पूंजी निर्माण की दर है वह भी बहुत धीमी गति से हो रही है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि दर जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से रोजगार भी हम सुलभ कराने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर पूंजी गहन तकनीक, पूंजी गहन तकनीक का आशय यह है कि जो क्षेत्र है अधिक श्रमिकों का प्रयोग, जगह स्वचालित मशीनों का प्रयोग करना ही कारण रोजगार अवसर कमी हो गई है और बेरोजगार की समस्या बढ़ी है, क्योंकि कंप्यूटराइज करने से चार व्यक्ति जो कार्य करते थे वही कंप्यूटर में ज़्यादा कार्य हो जाता है। फिर दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, तो हमारी शिक्षा पद्धति जो है व्यवहारिक होने की बजाय सिद्धांत प्रधान है, क्योंकि यदि व्यवसाय प्रधान या व्यवहारिक होने होगा तो हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। फिर त्रुटिपूर्ण नियोजन, जो भी नियोजन किया जाता है वह त्रुटिपूर्ण होता है, इस तरह से बेरोजगारी वृद्धि होती है। फिर देश का विभाजन व युद्ध, देश का विभाजन होने से शरणार्थियों का आगमन होता है, जिस तरह से 1971 बांग्लादेश युद्ध के कारण शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई और बेरोजगारी की संख्या में भी वृद्धि हुई। फिर भारी कर का भार, लोगों में भारी कर का भार होता है, मुद्रा स्फीति बढ़ने से जनसंख्या जो बेरोजगारी संख्या में भी वृद्धि होती है। उपविभाजन या अपखंडन, भूमि का उपविभाजन का अर्थ होता है कृषक भूमि के टुकड़ों में बढ़ जाता है, जैसे एक व्यक्ति है जिसके चार बच्चे हैं तो चार टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इस तरह से उपविभाजन या अपखंडन होता है, उससे बेरोजगारी बढ़ती है क्योंकि पूंजी कम हो जाती है। कम बचत व विनियोग, स्वाभाविक है जब व्यक्ति काम कम करेगा तो बचत भी नहीं कर पाएगा, विनियोग कम होने के कारण बेरोजगारी में वृद्धि होती है। धीमा औद्योगिकरण,
फिर अशिक्षित व अकुशल श्रम, अशिक्षित होने के कारण भी अकुशल होते हैं, अप्रशिक्षित होते हैं वह भी रोजगार करने में कठिनाई होती है। फिर है बेरोजगारी के प्रभाव। मानव शक्ति का अर्थ व्यर्थ जाना, सामाजिक समस्याओं का अंत, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संपन्नता में कमी, अन्य दुष्प्रभाव। यहाँ पर हम कह सकते हैं बेरोजगारी के समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है या देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मानव शक्ति का व्यर्थ जाना, बहुत से व्यक्ति जो बेरोजगार रहते हैं, जबकि अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है, तो इस तरह से मानव शक्ति का भी व्यर्थ हो जाता है। फिर सामाजिक समस्याओं का जन्म, जब व्यक्ति बेरोजगार रहता है, अभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वह चोरी, डकैती, बेईमानी, अनैतिक शराबखोरी, जुएबाजी आदि करने लगता है, इस तरह से सामाजिक खतरा उत्पन्न हो जाता है। फिर राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी, राजनीतिक उछाल पछाड़ होने के कारण भी यह बेरोजगारी का प्रभाव समाज पर पड़ता है। फिर आर्थिक संपन्नता में कमी, बेरोजगार व्यक्ति जो है आय में गिरावट आती है और जीवन स्तर उसको गिरता चला जाता है और वह निर्धनता में वृद्धि हो जाती है। फिर अन्य दुष्प्रभाव है, जैसे बेरोजगार के अन्य दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, औद्योगिक संघर्ष में वृद्धि हो जाती है, मालिकों को बेरोजगारी का लाभ उठाकर कम मजदूरी दी जाती है, और पेट भर भोजन न मिलने से मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, और इससे बेरोजगारी समाज को राजनीतिक आर्थिक वातावरण से दूषित हो जाता है। इससे कहा जाता है कि बेरोजगार रखने के स्थान पर लोगों को गड्ढे में गिराया। फिर बेरोजगारी दूर करने के उपाय, बेरोजगारी दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले विनियोग में वृद्धि। हम विनियोग में वृद्धि करके मतलब खर्च बढ़ा के हम बेरोजगारी को दूर करते हैं। नवीन योजनाएं, नई नई योजनाओं को लागू करके भी हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। कर व्यवस्था में सुधार, जो टैक्स लग रहा है, भारी भारी जो टैक्स लग रहा है या कर लग रहे हैं, उसमें सुधार करके भी हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। फिर है प्रशिक्षण की सुविधाएं, जो कुशल श्रमिक हैं, जो श्रमिक प्रशिक्षित श्रमिक हैं, उनको हम प्रशिक्षण देकर, कुशल श्रमिक या प्रशिक्षण की सुविधा देकर उसकी बेरोजगारी हम दूर कर सकते हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके भी हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकास करके या उनको प्रोत्साहित करके भी हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। फिर शिक्षा पद्धति में परिवर्तन, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करके हम उसको व्यावसायिक शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है, हम यदि व्यावसायिक शिक्षा देना चालू कर देंगे, एक व्यक्ति कम से कम 5 लोगों को कार्य दे सकता है। फिर सहायक उद्योग धंधों का विकास, जिस तरह से कहा गया कि लघु एवं कुटीर उद्योग जो होते हैं वो सहायक उद्योग धंधे हैं, उनका विकास करना आवश्यक है। फिर सहायक उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ आर्थिक बेरोजगारी, जो मौसमी बेरोजगारी जो पाया जाता है, वह कम किया जाता है। उनको कम करने के लिए मुर्गी पालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी, मत्स्य पालन आदि उद्योगों का विस्तार करना चाहिए। फिर प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण, प्राकृतिक जो साधन है हम उनको सर्वेक्षण करना चाहिए, नई नई संभावनाओं का पता लगाना चाहिए, इस तरह से हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। जनशक्ति नियोजन, जनशक्ति नियोजन के माध्यम से भी हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। श्रम की गतिशीलता में वृद्धि कर सकते हैं, दृष्टिकोण परिवर्तन करके भी हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े उद्योगों की आर्थिक सहायता व अनुसंधान देना बंद कर दिया है, उसके परिणामस्वरूप श्रम का प्रतिस्थापन होता है। फिर इस तरह से ग्रामीण सड़क निर्माण करना, लघु मध्यम स्थायी योजनाओं का विस्तार करना, इस तरह से हम रोजगार देकर बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं।